विधवा भाभी से नंदोई व देवरों ने किया। 6 माह तक बलात्कार नहीं हुई कोई कार्यवाही। यास्मीन पीड़िता के साथ एसएससी से मिली। एसएसपी ने थाना पुलिस को दिए जांच कर कार्रवाई करने को किया निर्देशित। कहां से आई आप? वीर सावरकर नगर से। कहां पे क्या घटना हुई आपके साथ? एसएसपी ऑफिस आई आप? मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर शादी का दबाव बनाते रहे और शादी के लिए मना करती रही। इसलिए मेरे देवर और नंदोई मेरे साथ 6 महीने तक बलात्कार करते रहे। मना करने पर उन लोगों ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी। क्या उम्र है आपकी? 30 साल। 30। तो कैसे एक्सीडेंट हो गया? कैसे मृत्यु हुई? ड्यूटी से घर आ रहे थे आते वक्त। तो क्या नाम है उन लोगों के जो आपके साथ ये दुराचार किया? देवर वीरेंद्र कुमार, हृदेश कुमार और नंदोई शिव कुमार। ये कहाँ रहते हैं? नवाबगंज और मकरनपुर। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की? थाने वालों ने आनाकानी कर दी, वापस कर देते कि जाओ घर हो जाएगा हम कर देंगे। तो आज एसएसपी साहब से मिली आप, तो क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा अभी आपकी मतलब महिला थाने से अभी आपके लिए वो कॉल आएगी, फिर आप जाना वहाँ बताना अपनी सारी वारदात को। आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? उन्हें क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? कार्रवाई चाहती उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी। बताइए क्या क्या मामला है जी लड़की का? आप एसएसपी ऑफिस आई हैं आज? इसलिए आई हूँ एसएसपी ऑफिस की लड़की ने मुझे बताया कि इसके हस्बैंड का दुर्घटना में सड़क दुर्घटना में मतलब देहांत हो गया था। उसके बाद में लगातार शादी का दबाव बना के देवर के साथ में वो देवर और दो देवर और इसका नंदोई इसके साथ बलात्कार करता रहा और ये कई बार थाने गई। लगभग 6 महीने तक ये घटना होती रही। तो वही था कि वो पावरफुल थे तो अपना किसी तरह से भी समझौता करके अपने दबाव बना के लड़की, क्योंकि इसके फादर जो है 60-70 साल के बुजुर्ग हैं और घर में दिल के मरीज हैं और माता भी इनकी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं। तो आज मैं इसे जब ये मुझे ये पता चला और ये मेरे पास आई तो मैं आज एसएसपी साहब से मिली। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आप महिला थाने जाइए, आपकी कार्रवाई होगी। कितने साल हो गए शादी को? इसकी शादी को तो 6 साल हो गए, लेकिन इसके हस्बैंड को मरे हुए कम से एक बेटा है इसका, लगभग 2 साल का, 2 साल का लगभग है और इसके हस्बैंड को खत्म हुए भी 2 साल ही हुआ। इसके पापा हैं। तो ये थाने में कार्रवाई इनकी क्यों नहीं हो रही? अब आपको पता ही है थानों में अगर कार्रवाइयाँ हो तो यहाँ लाइन लगा के एसएसपी आईजी डीआईजी के यहाँ लोग क्यों आए? इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि जब थाने में कार्रवाई नहीं होती, आपको पता है आजकल आए दिन रिश्वतखोरी के मामले में पुलिस सीओ इंस्पेक्टर पकड़े जा रहे हैं, तो किस लिए पकड़े जा रहे हैं? इसलिए ना कि अपराधियों को बजाते हैं और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता। इनके मामले में क्या चाहती हैं? मैं इनके मामले में यही चाहती हूँ कि अगर एसएसपी साहब कार्रवाई करेंगे तो अच्छी बात है, और जब तक नहीं होगी एफआईआर या कार्रवाई नहीं होगी तब मैं इनके लिए लड़ती रहूंगी।